अस्सलामु अलैकुम नाज़रीने कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बात पिछले कई दिनों से की जा रही थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर के पास ऑप्शंस क्या हैं। यानी मुनीब अख्तर जब आर्टिकल 63(1) की नज़रसानी दरख्वास्त में बेंच का हिस्सा होंगे तो वो काजी साहब को शिकस्त कैसे देंगे। मुझ समेत बहुत से लोग जो जस्टिस मुनीब अख्तर को करीब से जानते हैं, जो ये जानते हैं कि मुनीब अख्तर कानून की बारीकियों से बखूबी वाकिफ़ हैं, वो आपको बार बार अपनी वीडियोस में ये बता रहे थे कि मुनीब अख्तर जो सरप्राइज़ काजी साहब को देंगे वो काजी साहब के वहमो गुमान में नहीं होगा। काजी साहब प्लान ए की तैयारी करके आएंगे तो जस्टिस मुनीब प्लान बी लॉन्च करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने काजी साहब को बदतरीन शिकस्त दे दी है। आर्टिकल 63(1) की नज़रसानी दरख्वास्त की समाज से पहले जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार को ख़त लिखा, उससे बड़ा धमाका, उससे बड़ा सरप्राइज़ रात गए जस्टिस मुनीब अख्तर ने दे दिया है। रात गए सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आर्टिकल 63(1) की नज़रसानी दरख्वास्त के ज़रिए काजी की एक्सटेंशन की तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। जस्टिस मुनीब ने यह बाजी जीत ली है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन कराम, जस्टिस मुनीब अख्तर कानून की बारीकियों से बाखूबी वाकिफ़ हैं। कल पहले तो वो ना बेंच से अलग हुए, ना उन्होंने बेंच तोड़ने का मुतालबा किया। उन्होंने ऐसा सरप्राइज़ काजी को दिया जो काजी साहब के वहमो गुमान में नहीं था, क्योंकि ये बात पिछले कई दिनों से की जा रही थी जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने आर्टिकल 63(1) की नज़रसानी दरख्वास्त वाला बेंच बनाया। उसी वक्त ये चेमगोइयाँ शुरू हो गई कि जस्टिस मुनीब के पास आखिरकार ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन तो ये था कि वो रिफ्यूज़ कर जाएँ, वो ये कहें कि मैं बेंच का हिस्सा नहीं हूं, तो काजी साहब के लिए बड़ा आसान था क्योंकि ऑथर जज ने खुद इनकार कर दिया। तो काजी साहब किसी और जज को बेंच का हिस्सा बनाकर अपनी मर्जी का फैसला ले लेते। फिर ये भी बात हो रही थी कि मुनीब अख्तर क्या पता सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठें, यानी बेंच केस की समाअत का आगाज़ करें और आगाज़ में ही जस्टिस मुनीब कह दें कि क्योंकि मुझे इस बेंच पर एतराज़ है तो मैं खुद को इस बेंच से अलग कर रहा हूँ। तब भी काजी साहब ने बड़ी आसानी से किसी और जज को बेंच में शामिल कर लेना था, लेकिन जस्टिस मुनीब ने वाकई ये साबित किया कि वो काजी साहब से दो हाथ आगे सोच रहे हैं। पहला धमाका तो उन्होंने कल इस केस की समाअत शुरू होने से पहले कर दिया था, यानी पीर का दिन था जब काजी साहब पूरी तैयारी के साथ तमाम तर साथी जजेस के साथ आए कि बड़ी आसानी से आर्टिकल 63(1) की नज़रसानी उड़ा दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का 2022 वाला फैसला उड़ाकर कानून में तब्दीली की जाएगी, तमाम तर अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली को ये इख्तियार दिया जाएगा कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ धड़ाधड़ वोट दें, आइनी तरमीम को वोट दें और मुझे एक्सटेंशन दे दें। पहला सरप्राइज तो जस्टिस मुनीब ने इस केस की समाअत शुरू होने से पहले ही दिया था वो खत, और उस खत का जो कॉन्टेंट था वो आपने देख लिया होगा। लेकिन असल सरप्राइज जो आउट ऑफ सिलेबस काजी साहब के लिए आया है वो जस्टिस मुनीब का रात किया जाने वाला धमाका था, जिसके आफ्टर शॉक्स आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दे रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात कि जस्टिस मुनीब कानून की बारीकियों को समझते हुए ना तो वो बेंच से अलग हुए, ना ही उन्होंने बेंच तोड़ने का मुतालबा किया। उन्होंने बेंच की तश्कील पर सवालात उठा दिए कि क्योंकि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी गैर आइनी है, यानी जस्टिस मुनीब ने कहा कि अगर इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से मुझे निकालना था, मुझे निकाल कर इस बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करना था तो बिल्कुल ठीक है, मुझे अपने इस कमेटी के अंदर शामिल या ना शामिल होने पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम या ऑर्डिनेंस ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के कम अज़ कम 3 जजेज़ होने चाहिए, कम अज़ कम 3 जजेज़ ये तय करेंगे कि कौन सा बेंच किस केस की समाअत करेगा, इस बेंच में कौन कौन से जजेज़ शामिल होंगे। फिर इंसानी हकूक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस लेने हैं वो खाली काजी साहब तय नहीं करेंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 जजेस तय करेंगे। तो दरअसल जो तरमीम थी, जो ऑर्डिनेंस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, उसका कंटेंट और शिक्के तो ये कहती हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 2 ही जजेस ने फैसला किया कि आर्टिकल 63(1) की नज़रसानी दरख्वास्त में कौन सा बेंच केस की समाअत करेगा। तो जस्टिस मुनीब ने वो कार्रवाई डाली है कि पूरी की पूरी गेम बदल गई है, क्योंकि काजी साहब तो यही सोचकर आए थे कि अगर जस्टिस मुनीब इस केस से खुद को अलग कर लेते हैं या बेंच तोड़ देते हैं तो बड़ी आसानी से नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, बड़ी आसानी से कोई और जज इस बेंच का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जस्टिस मुनीब ने कहा कि ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, आप ऐसा कोई बेंच नहीं बना सकते जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फुल कमेटी को नॉमिनेट ना करे, सो लिहाजा कमेटी तो अभी भी पूरी नहीं है। जस्टिस काजी साहब के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनी जज हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ है वो ये कहता है कि
पहले नंबर पे चीफ जस्टिस, दूसरे नंबर पे सीनियर प्यूनी जज और तीसरे नंबर पर काजी की मर्जी का कोई जज हो सकता है, ये ओरिजिनल लॉ है। तो जो दूसरे नंबर के जज हैं सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका बेंच के अंदर होना इंतहाई ज़रूरी है, ये कानून है, उसके बगैर कोई भी बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता जब तक वो कमेटी के मेंबर नहीं होंगे। अब जुमे वाले दिन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ उसमें मंसूर अली शाह ने शिरकत ही नहीं की। उन्होंने सवाल पूछा था काजी साहब से कि उन्होंने मुनीब अख्तर को क्यों निकाला। मुनीब अख्तर के निकाले जाने पर जो काजी साहब ने 11 वजूहात लिखी वो बड़ी मजाक़ा खेज थी, लेकिन जो जवाब मुनीब अख्तर ने इन 11 वजूहात का काजी साहब को दिया वो पाकिस्तान की अदालती तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। मैं अब आपको बताता हूँ कि रात गए मुनीब अख्तर ने ऐसा कौन सा धमाका किया। पहली खबर तो थी कि जैसे मुनीब अख्तर ने इस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया तो केस फौरी तौर पर आज मंगल के दिन तक मुलतवी किया गया, क्योंकि जो इस केस के ऑथर जज हैं 2022 में जिन्होंने इस केस का फैसला तहरीर किया उन्होंने बेंच का हिस्सा बनने से इनकार किया, और इस तरीके से किया कि जब तक प्रॉपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इस बेंच को तश्कील नहीं देगी मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं होऊंगा, मैं अलग भी नहीं हो रहा ना बेंच तोड़ने का कह रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मेम्बरान को पूरा करें, सीनियर प्यूनी जज को उस कमेटी में बिठाएं, उनसे मुशावरत करें, उसके बाद जो बेंच बनाएंगे मैं उसमें हाजिर होऊंगा। फिर रात गए जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा धमाका किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल होने वाली कार्रवाई पर मुख्तसर एक हुक्मनामा जारी किया। जाहिर है काजी साहब भी इस टाइम पूरी शतरंज की चालें चल रहे हैं, वो किसी तरीके से अपनी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इस मुख्तसर कार्रवाई का एक हुक्मनामा जारी किया। इंटरेस्टिंगली रात को तकरीबन 11:30 बजे जस्टिस मुनीब का एक और तहलका खेज खत सामने आया, और वो दरअसल गेम चेंजर खत था, क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी कि शायद जस्टिस मुनीब अख्तर अब थोड़े ठंडे हो जाएंगे, काजी साहब डोमिनेट कर जाएंगे, लेकिन मुनीब अख्तर ने रात को खत लिखा वो खत पढ़ने के काबिल है। मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ कि मुनीब अख्तर ने कैसे यकतरफा बाजी जीत लिया। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया तो जस्टिस मुनीब ने लिखा कि ये केस तो 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था, 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। यानी मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं तो इस बेंच में था ही नहीं, मेरी तो कुर्सी हटा दी गई, मैंने तो समाअत शुरू होने से पहले इतराज़ कर दिया था कि यह बेंच प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, तो फिर इसका हुक्मनामा कैसे आ सकता है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करनी थी, 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त सुन ही नहीं सकता। आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भी भेजा गया, मेरा नाम लिखा हुआ है मगर आगे दस्तखत नहीं है। आज की समाअत का हुक्मनामा जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, आज की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं है। तो जस्टिस मुनीब का एक एक लफ्ज माजरत के साथ, क्योंकि काजी साहब से मुतल्लिक ये चीज़ें लिखी हैं, तो मुनीब अख्तर का एक एक लफ्ज काजी साहब को जनाटेदार थप्पड़ रसीद कर रहा है, जिसकी गूंज पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में बहुत अरसे तक सुनाई देगी, क्योंकि काजी साहब ने जो जस्टिस मुनीब के हवाले से 11 वजूहात लिखी उन वजूहात को देखकर तो कानूनी माहिरीन हंसते हैं, लेकिन जो दो खतूत मुनीब अख्तर ने लिखे वो धमाका खेज और तबाहकुन और हैरान कुन सरप्राइजेज हैं। पहले खत के अंदर तो काजी साहब के हवाले से डायरेक्ट ये लिखा कि मुझे कमेटी से निकालने का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी की कमेटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप आर्टिकल 63A की नज़रसानी दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट का 2.5 साल पहले का फैसला है एक घड़े मुर्दे को उखाड़ कर अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि मफादात का टकराव है, आप एक्सटेंशन के साथ ये केस जुड़ा हुआ है। यानी जस्टिस मुनीब ने जो पहला खत लिखा वो तो था ही शानदार, उसको पढ़कर कल सारा दिन ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि काजी साहब के लिए खौफनाक दिन है कि उनका जूनियर जज चीफ जस्टिस को इस किस्म के जुमले लिख रहा है, और उनके लिए ये शर्म का मकाम है, क्योंकि काजी साहब की लेगसी तबाह हो गई है। अगर कोई जूनियर जज आपको ये कह दे कि आप खुद परस्ती का शिकार हैं, आप अपनी एक्सटेंशन के लिए पूरे अदालती निज़ाम को तबाह कर रहे हैं, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्मनामा जारी करवाएं, और वो जूनियर जज रात को 11:30 बजे एक और खत आपके मुंह पे मारे और कहे कि ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, ये कानून और आईन के मुताबिक समाप्त नहीं हुई जब तक ये बेंच कानूनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाता, तो फिर एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी जस्टिस मुनीब अख्तर ने कि मज़र आलम मियाँ खेल की बेंच की शमूलियत पर भी उन्होंने एतराज़ उठाया, और उनका एतराज़ दुरुस्त है कि इस टाइम मौजूदा जजेस जिनकी तादाद 17 है, क्या उनमें से कोई एक जज भी फ्री नहीं था, कोई इस काबिल नहीं था कि 63A की नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो सुन सकता, क्या मज़र आलम मियाँ खेल ने कोई और कानून पढ़ा था जो दीगर जजेस नहीं पढ़ा था।
तो ये जो है जब तक अक्सरियत के साथ नहीं आएंगे इनके, क्योंकि काजी साहब को अंदाज़ा था कि जब तक अक्सरियत नहीं मिलेगी उनकी एक्सटेंशन का प्लान नाकाम होगा, इस वजह से मदर आलम मियां खेल को काजी साहब ने बेंच का हिस्सा बनाया। तो मुनीब अख्तर बाजी तो जीत गए हैं, जो बाजी शुरू तो काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जस्टिस मुनीब को निकाल कर शुरू की थी, लेकिन उसका अख्ताम जस्टिस मुनीब ने इन दो खतूत के ज़रिए ऐसा सरप्राइज़ देकर किया कि काजी साहब के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। अब आज से कुछ देर बाद आर्टिकल 63A की नज़रसानी दरख्वास्त के हवाले से कौन सी मज़ीद डिवेलपमेंट्स होती हैं, आई एम श्योर आज भी एक तहलका खेज़ अदालती दिन होगा, सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आएंगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये वो वाहिद उम्मीद है काजी साहब की जो उनको एक्सटेंशन दिलवा सकती है, लेकिन जस्टिस मुनीब ने उनकी उम्मीद के आगे बंद बांध दिया है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।